नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैक्ट बाय मनोज पारी। दोस्तों, इस तरह से जो ईगल के ज्वेलरी वेट मशीन है, जो कि पुरानी मॉडल है, 600 ग्राम का मॉडल है, इसमें यूनिट, टेयर, एनजी, पीस, F1 मोड और कैल चार बटन दे रखे हैं। तो इस टाइप के वेट मशीन में अगर आपका वेट बिगड़ जाता है तो उसको हम कैसे मिलाते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको पंखा, कूलर या एसी चल रहा है तो उसको बंद करना है, उसके बाद में मशीन को ऑफ करके ऑन करना है। इस तरह से जब मशीन है वो वेइंग मोड में आ जाए तो उसको वेट मिलाने के लिए जो कैल वाला बटन दे रखा है इसको आपको 10 सेकंड के लिए प्रेस करना है। इसको प्रेस करेंगे तो 2-0 ऐसे शो करेंगे। जब ये 2-0 शो करे तब आपको ये जो F1 मोड वाला बटन है इसको एक बार दबा के छोड़ना है। ये 2-3 बार ब्लिंक करेगा, उसके बाद में यहाँ 300 ग्राम लिखा हुआ है। हो सकता है आपकी मशीन में 500 ग्राम आए या 100 ग्राम आए, अलग अलग कैपेसिटी में ये अलग अलग आता है। तो आप जैसे 300 आया तो ये दो बाट है, 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, ये दोनों बाट आपको इसके ऊपर रखना होता है। उसके बाद में ये जो मोड वाला बटन है F1 वाला, इसको एक बार आपको प्रेस करके छोड़ना है। तो ये 300 2-3 बार ब्लिंक करेगा और ब्लिंक करने के बाद में ऑटोमेटिकली बीप की आवाज आएगी और ये स्टेप से 300 ग्राम से ये जैसे मिल गया है। तो दोस्तों, इस तरह के जो ईगल के वेट मशीन आते हैं उसको आप इस तरह से मिला सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।